नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। आपका इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल गेट एनडीएससी को पर वेलकम। बच्चों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा आपको यहां पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टिप्स दे रहा हूं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स हम अब तक स्टडी कर चुके हैं यहाँ, और इसके अलावा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी हम स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं। बच्चों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इतना इम्पोर्टेंट क्यों है उसके बारे में हम हर रोज आपको जरूर बताते हैं, क्योंकि आप हर रोज कोई ना कोई एक नया स्टूडेंट हमसे जरूर जुड़ रहा है, तो जो उस जुड़े हुए बच्चे को, नए बच्चे को जरूर ये हमें गाइड करना होता है कि बच्चों अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपके लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। बच्चों, इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिल रही है मेरे द्वारा। आप चाहे स्पेशल क्लासेस देख लें या किसी भी फॉर्म में देख लीजिएगा, आपको डेली लाइव क्लासेस दिख रही हैं, और चाहे वो आप चैट करें एजुकेटर्स के साथ, उसके साथ एंगेज रह सकते हैं डिस्कशंस में, डाउट्स पूछ सकते हैं और पोल्स के थ्रू आंसर्स भी दे सकते हैं, जिससे कि आप ये समझिएगा कि जो पोल है उसके थ्रू जब आप आंसर देते हो तो उस आंसर देने में आनंद ही अलग है, क्योंकि उससे आप ये देख पाते हो कि मैं कितने स्टूडेंट से पहले आंसर दे पाया हूँ और कितने स्टूडेंट से बाद में दिया, यदि मैंने सही दिया है तो कितने सेकेंड में दिया है, ये सब आपको वो पोल बताता है। बच्चों, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं इस प्लेटफॉर्म पर। इस प्लेटफॉर्म में मींस अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप डिजाइंड सिलेबस के अकॉर्डिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड लाइव क्लासेस पाएंगे। बच्चों, इसके साथ साथ इस प्लेटफॉर्म पर लाइव टेस्ट एंड क्विजेज भी हो रहे हैं, जिससे कि आपको अपनी परफॉर्मेंस और प्रिपरेशन इन दोनों का तरीका आपको पता चल जाता है कि मैं कितने पानी में हूँ। बच्चों, एक वीडियो को कितनी बार देखिएगा, कितने ही वीडियो को कितनी बार देखिएगा, कितने ही टॉप एजुकेटर्स हैं जो उनको भी कितनी बार देखिएगा, वो सब इस प्लेटफॉर्म पर फैसिलिटीज अवेलेबल है। बच्चों, आप किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट रहे हों, उन सब की लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो जरूर आप इससे जुड़ सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग रही हो, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, कुछ भी आपका रहा हो, उन सब की क्लासेस आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। बच्चों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दो सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस सब्सक्रिप्शन और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन की अपनी विशेषताएं हैं, ये इंडिया के बेस्ट एजुकेटर प्रोवाइड कराता है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ आपको मिलते हैं और लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी मिलते हैं। तो ये हैं फोर फैसिलिटीज जो मेन फैसिलिटीज के बारे में बात कर सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करता हूँ मैं, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी इंडिया का बेस्ट एजुकेटर आपको मिलेगा, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ मिलेंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलेंगे, ये सब आपको मिलने जा रहे हैं आइकॉनिक में भी। लेकिन उसके साथ एडिशनल यदि देखेंगे तो पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये सब हमको मिल जाएंगे बच्चों किसके साथ, हमारे इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। पर्सनल कोच रहा हो, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस रहा हो, स्टडी प्लानर रहा हो या प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल रहा हो, ये सब एडिशनल आपको मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे बच्चों। ओके, इसके साथ यदि हम बात करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन की फी स्ट्रक्चर के बारे में, तो बच्चों आइए जरा उस पर भी निगाह मार लेते हैं। बच्चों, 1 month सब्सक्रिप्शन जो होगा वो 5500 rupees का है, 3 month सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं वो 13750, 6 months 24750, 12 months 30250, 18 months 38500 एंड 24 months 44000 rupees का रहा होगा। तो बच्चों, इनसे आप देखिएगा कि किस तरीके से धीरे 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 ये बढ़ता चला जा रहा है, आप देखिए। और 24 months जो सबसे इकोनॉमिकल और सबसे अच्छा प्लान माना जा सकता है फीस स्ट्रक्चर के मामले में, वो है 44000 का। बट बच्चों, यदि आप इस स्पेशल कोड जिसका नाम है KKSYT, यदि आप इस कोड को अप्लाई नहीं करते हैं तो आपको पेमेंट इतना ही करना पड़ेगा, और यदि आप इस प्रोमो कोड या कूपन कोड को आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई कर देने भर से आपका जो फी स्ट्रक्चर है वो रिवाइज हो जाएगा, ये 4950, ये 12375, 6 months 22275, 12 months 27225, और 18 months 34650 एंड 24 months 39600 rupees का रहा होगा। तो बच्चों, आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये था प्लस सब्सक्रिप्शन की आफ्टर अप्लाइंग दिस स्पेशल कोड विच इज नेम्ड एज KKSYT। ये आप अपनी कॉपी पर भी इसको मेंशन कर सकते हो।
ओके नाउ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं बच्चों। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में दो ही सेगमेंट हैं, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स, बट बेटर इज 24 मंथ्स। व्हाई आई एम सेइंग 24 मंथ्स इज बेटर देन 12 मंथ्स, आप देख लीजिए खुद भी पेमेंट के मामले में। ये 45,000 का है और नेक्स्ट मंथ यदि आप नेक्स्ट ईयर के लिए देखें तो सिर्फ 15 एक्स्ट्रा देने होते हैं एंड देन यू गेट वन ईयर मोर फैसिलिटीज। और आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये फोर चीजें प्लस सब्सक्रिप्शन से एडिशनल मिलती हैं। बच्चों यदि आप सेम बात है, यदि इस कोड को KKSYT जो ये कोड है आपका, यदि आप इसको अप्लाई कर देते हैं तो अप्लाई कर देने से 12 मंथ्स 40,500 एंड जो 24 मंथ्स है वो 54,000 हो जाएगा। लेकिन यदि आप इसे अप्लाई नहीं करते हैं तो आपको जो पेमेंट है वो इतना पड़ेगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा इस कोड का जिसके हमने लिखा है, बार बार मैं आपको बताता हूँ KKSYT ये कोड है। तो बच्चों ये था आज का हमारा, जो आपको सब्सक्रिप्शन के डिस्क्रिप्शन के बारे में बात बताता हूँ। बच्चों हम आज अपने टॉपिक को लेते हैं और अपना टॉपिक है मल्टीपल इंटीग्रल पार्ट वन। मल्टीपल इंटीग्रल देखिए हमारी क्लासेस जो हो रही हैं वो आप ऐसा समझ लीजिएगा कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी स्पेशल क्लासेस हो रही हैं, उनको भी आप जरूर अटेंड करिएगा। क्योंकि उनको यदि आप अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली आपको और ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी बूस्ट होगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और वो फ्री हैं, स्पेशल क्लासेस हैं, उनको जरूर आप जो है हर रोज अटेंड करिए। बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कुछ फॉर्मूले, तो मैंने ये फॉर्मूले इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको ध्यान रहे, फॉर्मूले यदि याद हैं तो सब कुछ हो सकता है, यदि लर्न नहीं है तो हमसे नहीं होते क्वेश्चंस। और इंटीग्रल का अपना तरीका होता है और तरीका ये है इंटीग्रल सॉरी यदि आप इंटीग्रल करते हैं तो इंटीग्रल करने के लिए फॉर्मूले जरूर लर्न रहने चाहिए। बच्चों मैंने फॉर्मूला x टू द पावर n dx लिखा है, तो इट इज x टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c वेयर n शुड नॉट बी माइनस 1। यदि n माइनस 1 है तो बच्चों जो x टू द पावर माइनस 1 होगा वो 1 ओवर x होगा और इसका इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड x प्लस c ये हो जाएगा, जहां पर c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन करना होगा तो a टू द पावर x ओवर log बेस ea प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x एंड e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा और cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। ये सब तो बातें आपको ध्यान रहती हैं कि यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हम इसका अपोजिट देख लेते हैं तो वो इंटीग्रेशन होता है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, cos स्क्वायर x का माइनस cot x, ये dx सही नहीं, एंड sec x 10x का sec x प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन रहा होगा। यदि हम cos x cot x लें तो माइनस cos x होगा। यदि 1 ओवर रूट 1 माइनस 1 ओवर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लेते हैं तो इट विल बी sin इनवर्स x ओवर a, यदि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लेते हैं तो 1 ओवर a tan इनवर्स x अपॉन a होगा और a शुड नॉट बी 0। यदि 1 ओवर x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो 1 ओवर a sec इनवर्स x ओवर a प्लस c, जहां पर x एंड a बोथ मस्ट बी पॉजिटिव। यदि 1 ओवर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है तो log ऑफ x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, यदि माइनस है तो log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। ये हमारे पास ये कुछ फॉर्मूले थे। बच्चों आज हम पढ़ते हैं कि मल्टीपल इंटीग्रल को कैसे हम स्टडी करें, उसकी क्या जरूरत है। तो जो मल्टीपल इंटीग्रल है बच्चों उसको जरूर सीखिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मल्टीपल इंटीग्रल इज जस्ट डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल, चाहे आपका डबल हो या ट्रिपल इंटीग्रल, मीन्स टू डायरेक्शन की बात करें या थ्री डायरेक्शन की बात करें, टू वेरिएबल की बात करें या फिर थ्री वेरिएबल की बात करें, तो वहां पर अब हम इंटीग्रल की बात करें। मीन्स जो आपका मल्टीपल इंटीग्रल है उसके दो पार्ट हैं, नंबर वन डबल इंटीग्रल एंड सेकेंड वन इज ट्रिपल इंटीग्रल, इन दो में से बात हो सकती है। यदि डबल इंटीग्रल करना होगा हमें तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो भी एक्स और वाई से मिलके बना होगा और इसका इंटीग्रल हम करें। यदि ट्रिपल इंटीग्रल की बात करते हैं तो इट विल बी ऑफ थ्री वेरिएबल्स एफ एक्स वाई जेड एंड वी विल इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो ये डबल इंटीग्रल की बात करते हैं, ये ट्रिपल इंटीग्रल की बात करते हैं। बच्चों जब कभी भी हम
इसके इंटीग्रल की बात करेंगे तो जो हमारे पास फिगर्स होंगी उनके कहीं ना कहीं रीजन के अंदर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ जरूर शेयर करना पसंद करूंगा और मैं उससे काफी कुछ आपको सिखाना भी चाहता हूँ। तो मैं पहला एक क्वेश्चन लेता हूँ और नंबर वन क्वेश्चन से आपको सिखाना चाहूंगा। बच्चों बीच बीच में बातें भी आएंगी, उनको भी मैं सिखाऊंगा, बट पहला काम आपका ये देखिए, 0 to 1 एंड 0 to x e raise to the power y over x and dy dx। बच्चों यहाँ पर कई बार dx dy लिखा होता है, कई बार dy dx लिखता है। बच्चों कुछ हो सकता है कि आपको वो दिक्कतें आए, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी कुछ क्लासेस स्पेशल क्लासेस इंटीग्रेशन पर ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा जिससे कि आपको और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो और क्रिस्टल क्लियर वाली फॉर्म में आपकी आंखों में वो चमक दिखाई देने लगे। बच्चों ना तो ये e to the power y over x and dy dx है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो e to the power y over x तो हम कैसे करें, किसके रेस्पेक्ट में करें वो सोचना होगा। तो बच्चों एक्चुअल में हमें ये जो दिया है पहले शुरू में वो y के रेस्पेक्ट में दिया है, क्या y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये लिमिट y की है और ये लिमिट x की है। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ x लिखा है तो ये y की x की लिमिट रही हो, नहीं, y की लिमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ x और यदि x की ले रहे होते तो इन द फॉर्म ऑफ y होती यदि वेरिएबल लिमिट है तो इस बारे में कई बार आप गलती कर बैठते हो, ऐसी गलती प्लीज आप बिल्कुल भी मत करिएगा। ओके नाउ y इक्वल्स टू 0 टू x e रेज टू देयर y ओवर x dy dx है, तो आइए इंटीग्रेशन करते हैं 0 टू 1 और e रेज टू देयर y ओवर x का e रेज टू देयर y ओवर x एंड ओवर इसका डिफरेंशिएशन 1 ओवर x और जो यहाँ पर वैल्यू आ गई वो आ गई dx एंड यदि लिमिटर की बात करेंगे तो लिमिट लेंगे 0 टू x। तो बच्चों जब हम यहाँ पर 0 टू 1 ये 1 ओवर x तो x तो यहाँ आया और यहाँ पर देखिएगा ये वैल्यू जो हुई आपकी ये x ओवर x तो x ओवर x तो ये वैल्यू जो देगा ये तो e टू द पावर 1 दे देगा और माइनस जब आप 0 रखोगे तो e टू द पावर यहाँ पर 0 रखेंगे y की जगह रख रहे हैं 0 तो ये टू दर 0 हो जाएगा बच्चों और यहाँ पर ये वैल्यू एंड dx ये तो e माइनस 1 आया, e माइनस 1 इज आउटसाइड एंड 0 टू 1 x dx और इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो आपका x स्क्वायर बाई 2 होगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1 आंसर जो आएगा वो हाफ ऑफ e माइनस 1 आ जाएगा, ये वैल्यू इस इंटीग्रल की होगी। होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो सकता है, किस फॉर्म में, तो मैं आपको धीरे 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 उधर ही लेके जा रहा हूँ, देखिएगा सॉरी अब हम चलते हैं x टू x स्क्वायर ये एक्स वाई एंड दिस इज डी वाई डी एक्स, यदि हम इसको लेते हैं तो यहाँ पर भी आप देखिएगा ये जो लिमिट है ये y की लिमिट है और ये लिमिट x की है। कुछ प्रायर तौर पर आपको मैं चीजें भी सिखला दूं कि एक्चुअल में ये कैसे आए होंगे, ये लिमिट्स कैसे चल रही हैं उनके बारे में भी मैं आपको ज्ञान देता हूँ। y इक्वल्स टू x तो जो y इक्वल्स टू x लाइन है वो ये है, वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा एंड y इक्वल्स टू x स्क्वायर तो y इक्वल्स टू x स्क्वायर जो ये होगा कुछ इस फॉर्म में रहा होगा। यदि हम इनके इंटरसेक्शन पॉइंट देखें तो 0 0 और ये 1 1 होगा, 1 1 कैसे आएगा वो भी आप मेरे से समझ लीजिएगा सुन लीजिएगा। तो y is equals to x है and y is equals to x square, then दोनों values put कर लेते हैं, ये x common ले लें 1 minus x is equals to 0, x 0 and 1 ये value आपकी आ गई है और जब x equal to 0 and 1 आया है तो y भी 0 and 1 आया क्योंकि y is equal to x, तो 0 0 1 1 points ये आ गए। अब इन्होंने y के लिए लिया है तो y के लिए जो limits ले रहे हैं ये y is equals to x to x square, x की पावर इवन थी, यस क्वेश्चन जो लिया है इन्होंने y is equals to x square लिया है, लिमिट 0 टू 1 ली है, तो हमने सब कुछ सही किया है। एक बार देख सकते हैं यहाँ पर ये तो पॉइंट सही है, फिगर भी सही बनी है, फिगर चेक कर लें y is equals to x यही होती है, y is equals to x square, x की पावर इवन है
ये होगा, तो इन्होंने लिमिट जो ली है, चलो लिमिट तो इन्होंने अपने हिसाब से ले रखी है, इस बारे में देखेंगे क्योंकि वैल्यूज क्या होंगी। एक्चुअल में एक्स स्क्वायर टू एक्स लेते तो सही होता, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है, ऐसे हम सोच सकते हैं, है ना, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जब एक्स स्क्वायर होता है तो वाई की पावर इवन होती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर चलो इन्होंने लिमिट लिया है, अपने हिसाब से इन्होंने लिमिट ले रखा है, सो इसको सॉल्व करते हैं बस। एनीवे तो ये जो वैल्यू होगी, बट मैं आपको इसके बारे में फर्दर आगे भी आपको सिखाऊंगा। तो जीरो टू वन हमें यहाँ पर इसके देखने की जरूरत नहीं है, एक टॉपिक आएगा हमारा बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, वहां पर हमें ये सब जरूरत बनेगी। तो अब हम इंटीग्रेशन करते हैं वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये आया वाई स्क्वायर बाई टू एंड लिमिट एक्स टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये है। तो जीरो टू वन एक्स बाई टू, वन बाई टू आउटसाइड, वाई स्क्वायर हुआ तो ये एक्स फोर और माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये वैल्यू हो गई हाफ। जीरो टू वन एक्स टू दर फाइव माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, हाफ एक्स टू दर सिक्स बाई सिक्स माइनस एक्स फोर बाई फोर, लिमिट जीरो टू वन वन बाई सिक्स माइनस वन बाई फोर। हमने यहाँ पर टू तो ये था ही था, ट्वेल्व हमने एलसीएम लिया, सिक्स टू जा एंड माइनस, ये वैल्यू बच्चों माइनस वन बाई ट्वेंटी फोर आ गई, ये वैल्यू आपकी आएगी आंसर। होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। यस ना, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से जरूर पूछ लीजिएगा इस बारे में, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ और आप मेरे से पूछ ही सकते हैं। यस नो प्रॉब्लम। नाउ नंबर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन इज, क्वेश्चन इज जीरो टू वन, जीरो टू अंडर रूट एक्स एंड एक्स वाई डी वाई डी एक्स, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस वन। बच्चो ये जीरो टू वन है, हमें ये वाई की लिमिट है और ये एक्स की लिमिट है, तो जीरो टू वन हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। वाई इज इक्वल्स टू जीरो टू अंडर रूट एक्स है, हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एक्स वाई स्क्वायर बाई टू लिमिट जीरो टू अंडर रूट एक्स एंड डी एक्स, दिस जीरो टू वन हाफ आउटसाइड ही ले लो, एक्स भी आउटसाइड रखो, वाई स्क्वायर है इसका अंडर रूट, ये अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस जीरो डी एक्स, ये वैल्यू आ गई, हाफ आउटसाइड जीरो टू वन, ये एक्स होगा और ये एक्स होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड वैल्यू इज वन बाई टू एक्स क्यूब बाई थ्री एंड दिस इज जीरो टू वन, वन बाई टू दिस इज वन बाई थ्री माइनस जीरो, इट गिव्स वन बाई सिक्स आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर वन बाई सिक्स, ये थर्ड क्वेश्चन की बात है। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की बात, कि फोर्थ क्वेश्चन किस तरीके का होना चाहिए आपको, ये यदि थर्ड क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो ये बता दी, मल्टीपल इंटीग्रल के सिंपल सिंपल फॉर्म्स में मैं ये सब बातें आपको कर रहा हूँ। अब नंबर फॉर्म नंबर फोर की बात करता हूँ कि व्हाट विल बी नंबर फोर्थ क्वेश्चन। नंबर फोर्थ क्वेश्चन इज जीरो टू वन, जीरो टू वाई ये वैल्यू एंड एक्स वाई वही उसी तरह में, अब देखिए हमने रखा है डी एक्स डी वाई, तो ये लिमिट x की है और ये लिमिट y की है, ये लिमिट x की है, तो हम क्या करेंगे, ये 0 टू 1 हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y तो कांस्टेंट होगा और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, दिस वन 0 टू y एंड वैल्यू dy, इट विल बी 1 बाई 2 0 टू 1 y, y स्क्वायर माइनस 0 एंड dy, तो यह आया हाफ ऑफ जीरो टू वन वाई क्यूब डी वाई, दिस वैल्यू इज हाफ ऑफ वाई फोर बाई फोर ये वैल्यू एंड जीरो टू वन वैल्यू आ गई वन बाई एट, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। अब देख लीजिएगा आपको बात क्लियर होती है या नहीं हो रही, ये आप जरूर मुझे बताइएगा।
ये आंसर आपका भी 1/8 आ रहा है, आप कॉपी पर अपनी करके देखिएगा, मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ, आप भी अपने आप से करके देखिएगा कि इसका आंसर आपका यही आ रहा है या नहीं। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज, देखिए अभी तक तो हम डबल इंटीग्रल की बात कर रहे थे, यदि ट्रिपल इंटीग्रल करना पड़ जाए तो ट्रिपल इंटीग्रल कैसे होगा। देखिए लिमिट देखो, बस लिमिट से मैं कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। 0 to 1 माइनस एक्स ये वैल्यू ली, और 0 to यहाँ पर हमने लिया एक्स प्लस वाई ये वैल्यू ले ली, एंड dx dy एंड dz। बच्चों ये तो लिख तो लिया हमने dx dy dz, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप बता सकते हो ये लिमिट किसकी होंगी, ये किस फॉर्म में, x प्लस वाई की फॉर्म है, तो डेफिनेटली ये z की नहीं होगी। अब z की जब हमने लिमिट ले ली तो बची y और x, तो यहाँ पर x की फॉर्म में दे रखा है तो ये डेफिनेटली y की रही होगी, और रेस्ट ये बची है x, तो कुछ ऐसे है। तो ये बातें बहुत ध्यान रखनी होंगी, मैं फिर से बोल देता हूँ, क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं ये बात स्लिप हो गई होगी। यहाँ पर फंक्शन में या लिमिट्स में x प्लस वाई दे रखा है, तो एक्चुअल में ये z की लिमिट है, नंबर 1 माइनस x दे रखा है, दिस इज लिमिट फॉर y एंड दिस इज रिमेनिंग फॉर x। अब यदि हमें इंटीग्रेशन करना पड़े तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 0 to 1 एंड 0 to 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर हमने जो इंटीग्रेशन करा है वो एक्स प्लस वाई, तो रेस्पेक्ट में किसके कर रहे थे, z के, तो z के लिए 1 dz, तो z आया 0 to x plus y एंड dx ये dy आ गया। अब क्या लेंगे, 0 to 1, 0 to 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर x प्लस वाई माइनस 0, ये आ गया डी वाई, लिखिएगा पहले dx, क्योंकि अब की बार हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि लिमिट आपके y की दे रखी थी, तो 0 to 1 हम y के रेस्पेक्ट में कर दें, तो x कॉन्स्टेंट इंटू y प्लस y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट हम 0 to 1 माइनस एक्स डी एक्स। होप आपको ये बात क्लियर होती चल रही होगी, ये कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। अब 0 to 1 यहाँ पर जो चला, x और y की जगह पुट करना है, तो 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट 0 to अब तो ले चुके हम लिमिट, सिर्फ बचा तो यहाँ dx, थोड़ा से सही से कर लेते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यदि करना चाहें तो इसे भी ले सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये वैल्यू होगी dx। 0 to 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये dx, ये कैंसिल, देखिए क्या क्या बचा, 0 to 1 हाफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, ये वैल्यू dx, 1/2 कॉमन, 0 to 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो 1/2 ऑफ 0 to 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यदि हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसका 1 का x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 to 1 ये 1/2, 1 माइनस 1/3 ये आ गया 2/3, 1/2 इंटू 2/3 इट गिव्स 1/3। तो बच्चों आप ऐसे समझिएगा कि 0 to 1, 0 to 1 माइनस एक्स एंड 0 to x प्लस वाई डी एक्स डी वाई डी जेड, इसकी वैल्यू आपकी 1/3 आ गई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, मैं इसी क्वेश्चन से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन और आपके साथ शेयर करूँ, वो किसका हो वो भी मैं बता दूँ, वो भी आपका ट्रिपल इंटीग्रल का है, क्यों ना हम उसके थ्रू अपना कुछ सीखें। ये क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं लेता हूँ, लिमिट बहुत सिमिलर सी हैं, 0 to 1, 0 to 1 माइनस एक्स एंड 0 to x प्लस वाई एंड हियर e टू दर z, यहाँ मैं अब dx dy dz भले ही लिख दें, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये लिमिट z की है, तो फर्स्ट लिमिट इसको बोलते हैं,
इसको सेकंड बोलते हैं और इसको थर्ड। भले ही आपको दिखने में ये फर्स्ट दिख रही हो बट इट इज नॉट सो, ऐसा नहीं है। फर्स्ट लिमिट इंटीग्रेशन के लिए हमारी ये रही होगी, इसी से ही हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए 0 टू 1 ऐसे ही रहने दें, 0 टू 1 माइनस एक्स ऐसे ही, और हम z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e टू z का इंटीग्रेशन e टू z होगा लिमिट 0 टू x प्लस y dx एंड dy। तो ये आया 0 टू 1, 0 टू 1 माइनस z, और यहाँ पर e टू दी पावर x प्लस y माइनस e टू दी पावर 0 एंड दिस इज dx एंड dy। 0 टू 1, 0 टू ये 1 माइनस x है, 1 माइनस x e टू दी पावर x प्लस y माइनस 1 dx dy। तो यहाँ पर अब की बार इंटीग्रेशन हमें y के रेस्पेक्ट में करना होगा, तो आइए करते हैं 0 टू 1, और y के रेस्पेक्ट में जो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 1 dy y रहा, 0 टू 1 माइनस x एंड dx ये है। सो 0 टू 1 e to the power x plus 1 minus x यहाँ रखा गया, minus 1 minus x ये रखा गया 0 पर, e to the power x होगा और ये 0 ही हो जाए। अब हम 0 to 1 ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, या e minus 1 plus x minus e to the power x dx। जब इंटीग्रेशन करेंगे ये होगा ई एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ई टू द पावर एक्स एंड जीरो टू वन। ये ई आया माइनस वन प्लस वन बाई टू माइनस ई, ये वैल्यू हुई। और जब जीरो रखोगे माइनस जीरो 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 ये होगा प्लस वन ई आ जाएगा, क्योंकि ई टू दर जीरो वन होता है, माइनस और माइनस प्लस वन हो जाएगा। तो ये और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और e से e भी कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू सिर्फ बचेगी तो बचेगी हाफ। तो ये हमारा आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर क्लियर समझ आया होगा। ये कोई दिक्कत है तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। यस नाउ we come to the seventh question, and seventh question is, what is the seventh question? Seventh question polar में और देख लेते हैं कि polar में यदि हम लें तो कैसे होगा। 0 to pi and 0 to sin theta ये हम ले लेते हैं, r dr d theta ये वैल्यू लेते हैं। तो यदि हम देखें तो ये जो वैल्यू है ये तो theta, 0 to sin theta यदि हम देखें तो ये r है और ये वैल्यू theta है, ऐसे समझ। पहले हम r के रेस्पेक्ट में करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन। तो ये 0 टू पाई ये थीटा है, और यहाँ पर यदि हम r के रेस्पेक्ट में करते हैं तो r का इंटीग्रेशन r के रेस्पेक्ट में r स्क्वायर बाई टू एंड लिमिट 0 टू साइन थीटा और ये d थीटा होगा। तो लिमिट होगा 0 टू पाई हाफ, आप आउटसाइड ले लीजिएगा, और यहाँ पर रखा तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस, और यहाँ पर ये 0 हो गया और ये d थीटा, ऐसे में हाफ, और ये बचा 0 टू पाई एंड साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बच्चों देखो यहाँ पर बहुत सारी बातें गिनी जाती हैं, वो आपको पता होने चाहिए। उसमें है क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस टू थीटा। जब इसे देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस टू थीटा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस टू थीटा। यहाँ पर जो वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस टू थीटा ओवर 2 इज साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हाफ और ये 0 टू पाई 1 माइनस कॉस टू थीटा ओवर 2 एंड डी थीटा। बच्चों मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ, आपको यदि स्क्रीनशॉट या कुछ लिखना है आप लिख सकते हो। तो ये 1 बाई 4 होगा, ये थोड़ा पेन चल गया, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ये था हमारा 1/4, 1/4 0 टू 1, 1 माइनस कॉस टू थीटा
एंड डी थीटा, ये 1/4 और लिमिट 1 का थीटा माइनस कॉस 2 थीटा होगा साइन 2 थीटा ओवर 2 0 to 1। यस, 1/4 और ये थीटा रखा गया है 0 to 1 नहीं था, इट वाज 0 to पाई, इधर 0 to पाई, ये भी 0 to पाई, तो पाई माइनस साइन 2π/2। बच्चों साइन का पाई कुछ भी वैल्यू रही हो, साइन एंड पाई 0 होता है तो इधर 0 हो जाएगा, सिर्फ बचा 1/4π - 0 विच गिव्स द वैल्यू π/4। बच्चों ये देखिए ऐसे खतरनाक से क्वेश्चन का आंसर सिंपल जो आया है वो है π/4। होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम थीटा वाली फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और कर लेते हैं यहीं पर ही, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, एंड क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 इज 0 to π/4 सेम फॉर्मेट, 0 to 1, अब क्या साइन थीटा ने लिया आर डी आर डी थीटा, देख लेते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो 0 to π/4 आर का इंटीग्रेशन r² / 2, 0 to 1 और यहाँ पर डी थीटा, ये हम 0 to π/4 ये ले लिया, हाफ हमारा आउटसाइड था ही तो ये 1/2 हाफ ले लिया, 1 r² 1 - 0 तो 1/2 ही रह गया, एंड डी थीटा इज हाफ 0 to π/4 एंड दिस इज डी थीटा। वन डी थीटा की बात करते हैं, ये जो होगा ये थीटा होगा एंड 0 to π/4 लेंगे, इट विल बी हाफ ऑफ π/4 - 0, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू π/8। तो बच्चों जो मैं ये क्वेश्चंस करे जा रहा हूँ उसका मतलब ये है मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि कैसे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। बच्चों अब थोड़ा आपको समझने की जरूरत होगी और कुछ चीज़ें मैं कुछ क्वेश्चंस के तरीके से आपको सिखाता हूँ, तो आप उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइएगा और जुड़ भी जाइएगा और कॉपी पेन साथ रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर हम 9 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड आउट, ऐसे लिख सकते हैं इवेल्युएट, और इवेल्युएट क्या करना है हमें, एक रीजन दे रखा है, रीजन इस इंटीग्रल के लिए xy dxy, और हम बोल सकते हैं वेयर आर इज द रीजन, रीजन इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड, वेयर आर इज द रीजन बाउंडेड बाय x-axis, x-axis से बाउंडेड है, ऑर्डिनेट एक्सिस xl टू 2a, ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 2a, एंड जो बड़ा कर्व है x² इज इक्वल टू 4ay से, इनसे है। तो अब हमें तब के लिए ये इंटीग्रल वैल्यू सॉल्व करनी होगी। आइए बच्चों सबसे पहला वर्क जो होगा हमारे लिए वो होगा कि हम कहीं ना कहीं इस कर्व को रिप्रेजेंट करें जो इन्होंने रीजन डिफाइन करा है, उस बहुत बड़ा रोल होता है इस रीजन को रिप्रेजेंट करने का और चीजें समझने का। बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये लो मैं पेन का कलर बदलता हूँ जिसको आपको ये दिखाई भी देता रहे। ये बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, एक तो ये x इज इक्वल्स टू 2 है, ये रहा x इज इक्वल्स टू 2 है, ये लाइन xl टू 2 है, यहाँ पर अब आ रहा है x² इज इक्वल्स टू 4y। तो बच्चों x की पावर इवन है तो कहीं ना कहीं ये जो रहा होगा ये आपका ऐसे समझिएगा कि ये वैल्यू आपके कहीं ऐसे यहाँ पर मैच कर रही होगी, कनेक्ट हो रही होगी, क्योंकि ये जो है ये पैराबोला है और सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा, क्योंकि x की पावर इवन होती है तो जो सिमेट्रिकल होता है वो अबाउट y एक्सिस होता है। ये बात बच्चों आप हमेशा अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो बच्चों यदि ये xl टू 2a था और ये x² इज इक्वल्स टू 4ay है, तो यदि हम इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालने लगे कि ये पॉइंट क्या रहा होगा, तो हम x² इज इक्वल टू 4ay, x की जगह 2a रख देते हैं, इट विल बी 4a² इज इक्वल्स टू 4ay, कैंसिल हुआ तो y इज इक्वल्स टू a आ गया, और जब y इज इक्वल्स टू a आएगा तो जो x की वैल्यू है वो तो 2a है ही इस पॉइंट में,
जो पॉइंट आया वो 2a, a आ गया, जिस पर ये कट कर। बच्चों अब देखिए रीजन जो होगा वो रीजन जो आपको दिख रहा है वो ये वाला रीजन आपको दिखना चाहिए जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। लेकिन हमें स्ट्रिप जो लेनी है वो स्ट्रिप लेना जरूर सीख लीजिएगा, बहुत बच्चों को स्टिल स्ट्रिप लेना नहीं आता, लेकिन फिर भी बताता हूँ यदि स्ट्रिप लेनी है आपको और बहुत अच्छे से सीखना है तो वो मैंने आपको सिखाया है आप अनअकैडमी की स्पेशल क्लास, मेरा नेम कृष्ण कुमार शर्मा, तो सर्च करके आप उसमें डबल इंटीग्रल वाली वीडियो में ये सब आप सीख सकते हो। तो बच्चों या तो आप स्ट्रिप ऐसे ले सकते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस ले सकते हो या पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मैं पहले पैरेलल टू वाई एक्सिस लेकर के दिखाता हूँ और फिर मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेकर के क्वेश्चन करूंगा और ये बताऊंगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल कम सेम। तो मैंने पहले फर्स्ट मेथड अप्लाई करता हूँ और वो था इस व्हेन स्ट्रिप इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। बच्चों ये रीजन है यहाँ पर ये एक्स एक्सिस था, एक्चुअल में एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है और यहाँ पर यदि हम देखें ये जो आपको लाइन ये कर्व दिख रहा है ये कर्व है वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर 4a। तो हम एक्चुअल में जो वाई की लिमिट होंगी वो जीरो से जाकर के एक्स स्क्वायर ओवर 4a, मतलब आपकी वो एक्स की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स, अब आप देखिएगा एक्स जो कवर कर रहा है वो यहाँ से और यहाँ तक कवर कर रहा है, एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस है वो एक्स इज इक्वल टू जीरो से 2a तक है एंड एक्स वाई dy dx ये हमको सॉल्व करना होगा। अब मुझे जरूर बताइएगा क्या आपको ये बात समझ आई है इंटीग्रेशन करने की, फिर मैं नेक्स्ट इसका मेथड बताऊंगा। अब इंटीग्रेशन करना आपके लिए हार्ड नहीं होना चाहिए, यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो इट विल बी y स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट 0 टू x स्क्वायर ओवर 4a एंड हियर dx ओनली, तो हाफ आउटसाइड 0 टू 2a ये x आया और x टू दर 4 ओवर 16a स्क्वायर माइनस 0 ये वैल्यू आ गई dx, तो हाफ ये आया 1 बाई 32 a स्क्वायर एंड 0 टू 2a x टू द पावर 5 dx। तो बच्चों ये तो सारी बातें यहाँ आ गई, अब हमें इंटीग्रेशन करना होगा 1 बाई 32 a 0 टू 2a, ये हो गया 0 टू 2a x टू द पावर 5 dx, इसको सॉल्व करना है 1 बाई 32a x टू द पावर 6 ओवर 6 एंड लिमिट जो लेंगे वो 0 टू 2a होगा, ये होगा 6 टू जा 12 एंड 6 3 जा 18 एंड 1 92 ये a है और 2 टू द पावर 6 64 होगा 64 इंटू a6 ये वैल्यू। तो बच्चों 64 3 जा आपका 192 होगा और ये एक a से ये कैंसिल होके आंसर विल कम 1 बाई 3 a 5। यदि हमें इसका आंसर निकालना पड़ जाए तो बच्चों होगा हमारा e टू दी पावर 5 बाई 3। बच्चों फर्स्ट मेथड था जिससे हमने ये लिया था, अब मैं दूसरी फिगर बनाऊंगा और उसमें मैं आपको ये सब बातें यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आइए पहले हमने फिगर बनाया, होप आपको यहाँ दिखाई पड़ रही हो, और कुछ फिगर जो थी हमारी वो कुछ इस तरीके से और यहाँ से ये आ गया, ये x इज इक्वल्स टू 2a, ये x एक्सिस, ये x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, ये लाइन है। अब यदि हम यहाँ से ऐसे लेते हैं कि ये स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस, तो बच्चों ये लोअर लिमिट होगी या अपर लिमिट, क्यों x एक्सिस के लिए लेफ्ट टू राइट और y के लिए बॉटम टू टॉप, ऐसे लोअर टू ऊपर चलता है। तो हम यहाँ पर i निकालेंगे, i इज इक्वल्स टू x की वैल्यू यहाँ से देखें तो 2 अंडर रूट ए वाई देखिए और जा करके रुका 2a पर, y की वैल्यू ये 0 होगा ओके, और यहाँ पर यदि अपने पॉइंट देखे हों तो 2a कॉमा a थे तो y 0 से a तक कवर कर एक्स वाई एंड डी एक्स डी वाई ये है। तो हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो आप मुझे जरूर बताइएगा क्या क्या हमने लिखा है। ये है y की लिमिट 0 टू a ये एंड x की लिमिट है 2 अंडर रूट ए वाई से लेकर के 2a तक एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब बच्चों इसे भी इंटीग्रेट करते हैं 0 टू a
एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, इट विल बी एक्स स्क्वायर ओवर 2 बाय 2 एंड लिमिट 2 अंडर रूट ए वाई टू 2 ए एंड डी वाई। अब बच्चों 0 टू ए हाफ हमने यहाँ पर हाफ ले लिया, और यहाँ से जब लिमिट लेंगे वाई एक्स स्क्वायर या आ गया 4 ए स्क्वायर माइनस 4 ए वाई एंड डी वाई। बच्चों हाफ ऑफ 0 टू ए 4 ए स्क्वायर वाई माइनस 4 ए वाई स्क्वायर डी वाई, हाफ 4 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 4 ए वाई क्यूब बाय 3 लिमिट 0 टू ए। यहाँ पर जो वैल्यू होगी हाफ ऑफ लिमिट रख लेते हैं, तो लिमिट जब हम रखेंगे तो 4 ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाय 2 माइनस 4 ए इंटू ए क्यूब बाय 3 एंड 0 रखने पर 0 ही होगा। तो वैल्यू जो बनी हमारे पास ये आपकी ये समझ लीजिएगा 2 ए क्यूब माइनस 4 ए नहीं 2 ए 4 है 2 ए 4 माइनस 4 ए 4 बाय 3 ये हो गया 1 बाय 2 6 माइनस 4 2 ए 4 बाय 3। सो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है हमने सर, इधर देखें इज देयर एनी प्रॉब्लम। अच्छा ए स्क्वायर था, हमने यहाँ गलत लिखा था, ए स्क्वायर था ए स्क्वायर तो पावर 4 थी, तो ए 4 बाय 3 यहाँ पर देख लो ये से कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर इज ए 4 बाय 3। तो बच्चों आंसर वहाँ भी ए 4 बाय 3 था और यहाँ पर भी ए 4 बाय 3 है, ये देख लीजिएगा यहाँ पर ए 4 बाय 3 है और यहाँ पर भी आपका आंसर ए 4 बाय 3। तो चाहे आप स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लें या पैरेलल टू वाई एक्सिस लें आंसर विल कम सेम। तो इस बारे में आपको ये पता जरूर रहना चाहिए कि हाँ इस तरीके से हमको ये सब करना है। बच्चों आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये सब बातें अच्छी लग रही हैं और आपने जो ये पढ़ा है ये कैसा आपको लगा है। बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही होगा जिससे कि हम सीख पाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, हमें सॉल्व करना है, वी हैव टू फाइंड आउट ये वैल्यू। मैंने ऑप्शंस नहीं रखे हैं क्योंकि मैं सिखाने की पोजीशन में हूँ इस वजह से। तो हम क्वेश्चन वही लेते हैं कि एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई दिस वन एंड डी एक्स डी वाई ओवर द एरिया, इस एरिया के ऊपर ही सब कुछ फाइट है, एरिया बदलेगा रिजल्ट बदलेगा। ओवर द एरिया बिटवीन वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर एंड लाइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स। बच्चों जब तक हम फिगर नहीं बना लेते तब तक बात ढंग से नहीं बनती। तो मैं आपको यहाँ पर y is equals to x square, तो y is equals to x square कुछ ऐसे रहा होगा और जो y is equals to x है वो कुछ ये रहा होगा। पॉइंट सिंपल 0 0 एंड 1 1 होंगे। आप कहें कैसे, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लीजिएगा, आपके सामने वो आंसर्स आ जाएंगे 0 0 और 1 1 पोजिशन। अब प्रॉब्लम ये है कि हम फर्स्ट मेथड लेते हैं, तो फर्स्ट मेथड हम बोलते हैं कि यदि हम स्ट्रिप लें पैरेलल टू वाई एक्सिस तो क्या होगा। तो बच्चों वाई जीरो नहीं है, अब वाई यहाँ से चला है और ये है वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और जाके रुका है वाई इक्वल्स टू एक्स तक। तो हमने लिया वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से वाई इक्वल्स टू एक्स और जो एक्स की वैल्यू है ये जीरो जीरो से यहाँ पर वन तक हुई है कि आया, और ये वैल्यू जो यदि हम देखें इसे एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स ये लिखें, इट विल बी 0 टू 1 और यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स वाई क्यूब बाई 3 ये होगा, और लिमिट हमने एक्स स्क्वायर टू एक्स रखी है, इससे क्या फर्क पड़ेगा 0 टू 1 यहाँ पर रखिएगा एक्स 4 बाई 2 प्लस एक्स 4 बाई 3 ये वैल्यू होगी, माइनस जब हम एक्स स्क्वायर रखेंगे x 6 by 2 minus x 6 और 7 x 7 by 3 ये वैल्यू रही होंगी है ना dx। तो हम इंटीग्रेशन रखते हैं 0 to 1 x 5 by 10 plus x 5 यहाँ से दोनों से ही हो सकता था,
चलो खैर, एक्स फाइव बाई 15 माइनस एक्स सेवन बाई 14 माइनस एक्स एट बाई 24 एंड दिस इज दिस वैल्यू। यदि हम इंटीग्रेशन कर लिए हैं तो लिमिट 0 टू 1 dx, वैल्यू जो भी रही हो, ये वैल्यू हम 1 ओवर 10 ये ले लेते हैं, प्लस 1 बाई 15 माइनस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, माइनस 1 बाई 14 एंड माइनस 1 बाई 24। यहाँ पर जो भी सॉल्व करके आता है वो आप इसका आंसर मेंशन कर सकते हो। लेकिन बच्चों इसके भी आप पर, और मैं दूसरा जो आपको बनाने चाह रहा हूँ वो और देखिएगा, यहाँ पर इसका सेकेंड मेथड, और जो सेकेंड मेथड हम लेंगे सेकेंड मेथड की फिगर आप जरूर देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने लिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये रहा होगा, और y इक्वल्स टू x, ये पॉइंट 0 0, ये पॉइंट 1 1, और अब हम लेना चाहते हैं यहाँ पर कि इस तरीके का। तो बच्चों जो लोअर लिमिट होगी वो लोअर लिमिट ये होगी, अपर लिमिट ये होगी। आपका ये तो नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं है, हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो ये y इक्वल्स टू x लोअर लिमिट है और ये x स्क्वायर। बच्चों ये x की लिमिट ले रहे हैं, x टू y, और यहाँ पर x की वैल्यू अंडर रूट y, ये वैल्यू रहे होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे x टू y से अंडर रूट y, और जो y की वैल्यू होगी वो 0 से 1 यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। तो ये एक्स वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स और डी वाई ये होगा। तो यदि हम इंटीग्रेशन करना चाहें तो इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स क्यूब वाई बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 लिमिट वाई टू अंडर रूट वाई एंड डी वाई, यहाँ से 0 टू 1 वही वैल्यू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब है तो आप ये देखेंगे y टू दी पावर जो होगा, आपके पास x के लिए रख रहे थे 3 बाई 2 एंड 1 जो वैल्यू आएगी वो रख सकते हो आप, कितना होगा y टू दी पावर 3 बाई 2 एंड 1 5 बाई 2, तो y टू दी पावर 5 बाई 2 ओवर 3 प्लस यहाँ पर आप अंडर रूट y रखेंगे, अंडर रूट y रखने पर ये वैल्यू आपकी y क्यूब हो जाएगा ओवर 2 ये वैल्यू इंटू, अब माइनस y रखेंगे तो आप y 4 बाई 3 माइनस वाई 4 बाई 2 एंड डी वाई। अब इंटीग्रेशन करने पर जो ये वैल्यू आएगी वो आपके सामने आपका आंसर होगा। तो होप आपने इन सब बातों से जो सीखा है वो आपके काम आएगा। यस, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो मेरे से। Answer will come same. Now, if we talk about the next question, 11th question, कुछ ऐसा ही लेते हैं कि हमें जो solve करना है वो y dx dy को solve करना है, और reason है over the reason y is equals to x square and the line y is equals to x plus 2, इसके लिए हमें solve करना है। बच्चों यदि हम इसे solve करना होगा तो मैं इसमें hint जरूर दूंगा, वो hint है कि आप y equals to x square लेते हो तो definitely ये होगा, और y equals to x plus 2 लेते हो तो y equals to x plus 2 का मतलब है जब x 0 है तो y 2 है, तो x 0 तो y आपका 2 यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर आपने कट किया तो पॉइंट आया 0 2, और जब x y 0 है तो आपका x minus 2 है, जब x minus 2 होगा तो वो कहीं यहाँ होगा, तो आपने माइनस टू कॉमा जीरो जो ये कट करके निकलेगा कहीं कुछ ऐसा निकल रहा होगा दिस वन, ठीक है। तो अब आपको जो रीजन निकालना होगा ये रीजन निकालना है, तो सिंपल है कि आप चाहे ऐसे ले लें, जो स्ट्रिप आप लेंगे वो स्ट्रिप यहां से लेंगे। अब यहां पर दिक्कतें दो हैं, दिक्कतें दो क्या हो सकती हैं बच्चों, ज्यादा बेहतर है आप यहाँ पर ऐसे स्ट्रिप ले लें क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा ग्राफ y इक्वल टू x स्क्वायर था। जब आप यहाँ से लेंगे तो ये लोअर लिमिट y की x स्क्वायर है और जाके रुका है x प्लस 2 पे। जब आप x की वैल्यू लोगे तो ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का कवर करेगा, माइनस 2, और यदि हम इसकी बात करें तो
y is equals to x square था, तो x square is equals to x plus 2, value होगी x square minus x minus 2 is equal to 0, x square minus 2x plus x minus 2, x हमने common ले लिया, x minus 2 plus 1, x minus 2, x minus 2 and x plus 1 is equal to 0, value of x is equals to 2 and minus 1, तो y is equals to, जो होगा, जब हमने x is equals to 2 रखा है और y is equals to minus 1 रखा है, तो x equals to 2 का मतलब आप समझते हैं? What do you mean by x is equals to 2? जब x equals to 2 रखोगे तो y 4 होगा, जब x is equal to आप minus 1 रखोगे तो y 1, तो x is y is equals to 4, तो 4 आप यहाँ पे ले रहे हैं, ये 2, 4 आ जाएगा, और जब आप x को minus 1 रखोगे, ये minus 1 रखोगे तो y 1 होगा, ये माइनस वन कॉमा वन, तो एक्चुअल में हमें यहाँ से लेना है ये माइनस वन से जाएगा और वैल्यू प्लस के टू तक जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेने कोई फायदा नहीं बनता, एरिया तो ये है हमारे सामने, तो हम इस एरिया की बात करते हैं, दिस वन एंड वाई डी वाई एंड डी एक्स, वेरी सिंपल, यदि आप माइनस वन टू टू वाई के लिए लेते हैं, वाई स्क्वायर बाई टू एंड लिमिट जीरो टू नॉट जीरो एक्स स्क्वायर x स्क्वायर से x प्लस टू यदि हम लेते हैं, तो यहाँ पर dx ही होगा माइनस वन टू टू हाफ, यहाँ ले लिया y स्क्वायर x प्लस टू होल स्क्वायर माइनस x टू द पावर फोर एंड dx। मुझे नहीं लगता इस इंटीग्रेशन को करने में आपको दिक्कत रहेगी, बट फिर भी मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूँ, प्लस फोर प्लस टू एक्स माइनस x4 dx, लिमिट आपकी वही माइनस वन टू टू था, तो मैं कहता हूँ कि अब आप इंटीग्रेशन कर लीजिएगा एंड इसका जो आंसर होगा वो सिंपल आपकी फॉर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही होगी। तो प्रॉब्लम जो थी वो इंटीग्रेशन में नहीं है, वो आपको यहाँ पर जो बातें मैं समझा रहा हूँ इनमें प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको आप ध्यान से सीखेंगे, यही मेरी आपसे निवेदन है और यही आपसे प्रयास भी है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पर आता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व करके आपको बताने की कोशिश करूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन ये है कि आप सॉल्व करिएगा एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये लिखा है इसमें, एंड ओवर द रीजन इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट, ओवर द रीजन इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ एक्स प्लस वाई लेस और इक्वल वन। ओके कोई बात नहीं, अब देखिएगा यहाँ पर x प्लस वाई लेस और इक्वल टू वन, तो बच्चों जब x प्लस वाई इक्वल टू वन देखें तो y जीरो तो x वन और x जीरो तो y वन, मतलब कि ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो इस वाले एरिया की बात की जा रही है, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये जीरो जीरो पॉइंट है, ये वन जीरो पॉइंट है, तो ये जीरो वन, ठीक है। अब हमें इसको इंटीग्रल करना है, तो आपका मन है कि आप स्ट्रिप चाहे ऐसे लें, यदि आप ऐसे स्ट्रिप लेंगे तो जो y होगा यहाँ पर जीरो होगा और ये y is equals to वन माइनस एक्स है, हमने ये ले लिया y is equals to जीरो वन माइनस एक्स, और जो x की वैल्यू होगी वो यहाँ पर जीरो होगी और यहाँ जा कर के वन होगा एक्स वाई और यहाँ पर डी वाई डी एक्स जीरो टू वन। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं x ऐसे ही y स्क्वायर बाई टू और लिमिट लिया हमने जीरो टू वन माइनस x और ये वैल्यू डी एक्स, तो जीरो टू वन वन बाई टू x एंड वन माइनस x होल स्क्वायर ये वैल्यू और डी एक्स हाफ ऑफ x वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डी एक्स रहा, ये आएगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू वन ही चल रहा है ना, तो x रहा इंटीग्रेशन रखिएगा यहाँ पर जीरो टू वन x प्लस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे भी लिखना होगा तो मैं लिख रहा हूँ हाफ था जीरो टू वन है एंड x प्लस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स,
अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स फोर बाई फोर माइनस टू एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट जीरो टू वन। अब रखिए ये हाफ प्लस वन बाई फोर माइनस टू बाई थ्री एंड जीरो टू वन, जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो हाफ ऑफ ये लिमिट यदि हम लें तो ये आपका टू फोर थ्री तो ट्वेल्व आएगा, सिक्स प्लस थ्री माइनस एट, ये वैल्यू आ गई वन बाई टू इंटू वन बाई ट्वेल्व, सो आंसर इज कमिंग वन बाई ट्वेंटी फोर। बच्चों ये तो वन बाई ट्वेंटी फोर हमने इससे निकाला, यदि हम स्ट्रिप बदलें, मैं यहीं पर स्ट्रिप बदलना पसंद करूंगा, यदि हम स्ट्रिप ऐसे लें पैरेलल टू एक्स एक्स से लेते हैं, तो यहाँ तो एक्स जीरो है लेकिन यहाँ जाके रुकेगा एक्स इक्वल टू वन माइनस वाई, और वाई की वैल्यू जीरो से वन पर ही होगी। तो एक्चुअल में जो हम आई टू निकालेंगे, आई टू इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एक्स जीरो से वन माइनस वाई होगा, आप देख लीजिए, और जो वाई की वैल्यू होगी वो जीरो टू वन होगा, ये वाई होगा डेफिनेटली, एक्स वाई डी एक्स और डी वाई। यदि हम ये सेकेंड मेथड है, दिस वन इज सेकेंड मेथड, तो आई टू जो आप ले रहे थे वो जीरो टू वन, और यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट जीरो टू वन माइनस वाई एंड डी एक्स, नॉट डी एक्स डी वाई, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया, हाफ आउटसाइड जीरो टू वन y एंड वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। बच्चों आप यहाँ देखो, क्या ये पार्ट जो आपका आ रहा है जीरो टू वन हाफ एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये हाफ वाई वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, एक ही बात नहीं है, बस x और y का फर्क है। और हम जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से ये कि डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू नहीं बदलती वेरिएबल बदल जाने से, तो इसकी वैल्यू भी वही आप सॉल्व करके जब अब लेके आएंगे तो वो भी 1 बाई 24 ही आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली क्लियर हो होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम है तो मैं वेट करता हूँ 10 सेकेंड, तो आप मुझे इसका जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप मेरे से कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप पूछ सकते हैं मेरे से क्वेश्चन। मैं आपको एक क्वेश्चन और लेता हूँ यहाँ पर, विच इज 13th क्वेश्चन, और 13th क्वेश्चन हम ले लेते हैं। दिस वन इज डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये हमारे सामने, एंड कहा है वेयर आर इज द रीजन, वेयर आर इज द रीजन, और रीजन क्या क्या है आइए उस पर बात करते हैं। रीजन बाउंडेड बाई एक्स एक्सिस, ये है लाइन y इज इक्वल्स टू टू एक्स है, ये लाइन है, एंड पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए वाई है, ये होंगे हमारे पास। तो बाउंडेड बाई एक्स एक्सिस की बात करते हैं, तो एक्स एक्सिस क्या कहता है आइए इनको हम यहाँ से सीख लेते हैं। बाउंडेड बाई द एक्स एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, y इज इक्वल्स टू टू एक्स, y इज इक्वल्स टू टू एक्स ये होगा, y इज इक्वल्स टू टू एक्स ये होगा, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए वाई, कुछ इस तरीके से वही बात होगी। अब बात है कि ये कट कहाँ करता है, इसको हमें देखना होगा। बच्चों ये लाइन ये तो जीरो जीरो ही होगा, हमें पता है ओरिजिन है। अब y इज इक्वल टू एक्स है तो हम यहाँ पर रख लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एट ए और x, x हमने कॉमन लिया x माइनस एट ए जीरो, तो x जीरो आएगा और एट ए। जब बच्चों x जीरो है तो डेफिनेटली y भी जीरो होगा, जब x 8a है तो आप इसमें रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, तो y जो है 16a हो, तो ये जो पॉइंट आएंगे ये 8a और 16a आ गए। अब एक्चुअल में चाहे आप ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, हम कहते हैं पैरेलल टू हम y एक्सिस लेते हैं, तो यहाँ पर जो i होगा वो वैल्यू आप देख लीजिए, यहाँ पर तो था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए, और ये लाइन गया 2x तक, और ये y की वैल्यू थी, और x 0 से 8a, ये एक्स वाई डी वाई डी एक्स। यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो बिल्कुल सॉल्व भी कर देता हूँ, 0 टू 8a रेस्पेक्ट में हम y के कर रहे हैं, तो y स्क्वायर बाई टू ये लिमिट एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए टू टू एक्स डी एक्स। यहाँ पर 0 टू 8a 1 बाई टू आउटसाइड ले लीजिए, x
ये 4x² होगा माइनस x^4/16a² एंड dx। अब बच्चों यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हाफ ऑफ 0 to 4a, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होती है, यदि इसमें ये होगा 4x³ माइनस x^5/16a² dx। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 4x^4/4 ये x^4 रह जाएगा, माइनस x^6/96a² ये 0 to 4a की वैल्यू। अब बच्चों 4 4 4 4, सिक्सटी फोर फोर जा यदि हम देखें 256 a 4 माइनस 4 × 16 × ऐसे समझ लें 256 और a^6/96a² ये कैंसिल, पावर 4 रह गई। अब आपको हेल्प करने की जरूरत है, ये 256 माइनस 16 6 जा 256/6a^4 यहाँ भी a^4। अब हम क्या करें, 256a^4 हम कॉमन लेते हैं, बाई 2 बाहर, 1 - 1/6 तो 5/6 आया, तो 256/2a^4 × 5/6 ये कुछ वैल्यू आपकी आ जाएगी, जो भी वैल्यू आती है वो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हो, जो भी कैंसिल होके ये वैल्यू दे रहा। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम मेरे से पूछ सकते हो। यस एनीवन, किसी की यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से पूछ सकता है। तो बच्चों ये लिए हमने यहाँ पर क्वेश्चंस अपने, आप ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पर इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते थे, और हम ऐसा ले सकते थे कि यहाँ पर फिगर कुछ हमारी इस तरीके से है, और अब हम ये ले लें। बच्चों ये x^2 = 4ay था, ये y = 2x, तो लिमिट यदि लेते हैं हम x की तो y/2 लोअर लिमिट, और यहाँ पर 2√ay तक रुकता, और y की वैल्यू 0 से, और ये 16a था, देख लीजिए आप ये 16a था, तो 0 to 16a, और y xy dx dy, ये हम फिर सॉल्व कर रहे होते एंड आंसर मस्ट बी सेम, तो ये आंसर सेम होता। बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने ये सीखा कि कैसे हम मल्टीपल इंटीग्रल को परफॉर्म करते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए हो सकती है यदि आप इसने ये अच्छे से करी होगी तो। बच्चों हमारी क्लासेस अनएकेडमी लर्निंग ऐप पर भी हो रही हैं, स्पेशल क्लासेस, उनको भी अटेम्प्ट करिएगा, उनको अटेंड करिएगा। यूट्यूब क्लासेस गेट एंड ESC क्वेश्चन चैनल पर जिस पर आप देख रहे हैं, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। बच्चों सब्सक्रिप्शन के लिए KKSYT कोड को लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके अप्लाई कर देने भर से आपको 10% की छूट मिल जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों हमारा टेलीग्राम ग्रुप गेट मंथन, इस पर भी आप जुड़िएगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, वो सब आपको उस पर हमारे मिल जाएंगे, और लेटेस्ट अपडेट्स या अपकमिंग वीडियोस के लिए भी आप वहाँ पर जुड़ जाइएगा। बच्चों थैंक यू सो मच आज के लिए, आज आपने इन सब बातों को सीखा और आपने मल्टीपल इंटीग्रल को देखा। आने वाले लेक्चर में भी हम मल्टीपल इंटीग्रल के बारे में और फर्दर और इम्प्रूव्ड एडवांस्ड डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।